ये देखो अभी भी सुनाई रही है, लेकिन वो ऐसा मुंह में बस सिग्नल के पास खड़े होकर मेरे को बोलती है, अरे मेरा स्कार्फ बांधना। मैं भाई साहब कहाँ गए? अरे वो भाई साहब, अरे यार ऐसा मत करो यार, देखो पीछे पीछे भागना पड़ रही है। सामने जा, 1000 लोगों को, 10 लोगों को, 100 लोगों ने भी लोगों खड़े कर दो, मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं। ये देखो लाइट्स रेडी हो चुकी है, अपन को यहाँ पर नहीं, ये बैठने का नहीं, अपन को खड़े खड़े पीपल, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू भारत? दिस इज विशाल द वे। गले में खराश हो गया भाऊ। अरे अरे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? रुको भाई साहब, मेरे को जाने का है। वो देखो वो मैडम छोड़ के जा रही है अपन को, वो देखो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ UK स्टूडियो, जी हाँ, और वो जो मैडम है वो जा रही हैं उनके काम से, यानी कि वो जो है। कहाँ जा रहे हो आप? सुनाई भी नहीं दे रहे, उस कान भी ढप बोल गया, अभी क्या करने का। कोई बात नहीं, चलो अपन जल्दी से चलते हैं, वरना ये जो मैडम स्कूटी में खड़ी है ना, वो मैडम इतना सुनाती है भाई साहब, आप भी नहीं सुन पाओगे, मेरे को तो खूब सुनाती है। ऑन कैमरा तो कम सुनाती है, ऑफ कैमरा भाई साहब गजबित सुनाती है। ये देखो अभी भी सुनाई दी है, लेकिन वो ऐसा मुँह में ऐसा रखी हुई है ना, इसलिए नहीं सुन, बस कैमरे के सामने मार देगी तो पता भी नहीं चलेगा, और जनता के सामने भाजीपाव हो जाएगा, इज्जत का, समझ रहे हो? तो फिर चलो अपन अभी बैठते हैं और चलते हैं, पहुंचते हैं। वैसे भी ये आधे रास्ते मेरे को छोड़ेगी, वहां से मेरे को पैदल जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? नहीं नहीं, छोड़ दूंगी पूरा, छोड़ दूंगी पूरा बोरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आजकल आदत नहीं है, चलने की आदत बन गई है, तो चल लेंगे, कोई बात नहीं। फाइनली पहुंच चुके हैं, और अब दीपिका दीदी यहां से रवाना होंगी अपने काम के लिए, और हम जाएंगे अंदर कुछ काम के लिए। इसका स्कार्फ बांधती काय को है? बीच में तो निकल गया था तेरा स्कार्फ। सिग्नल के पास खड़े होकर मेरे को बोलती है, अरे मेरा स्कार्फ बांधना। मैं कैसे बांधूंगा, पीछे बैठा हूँ, कुछ भी बात करती है। स्कार्फ खुल गया आधे रास्ते में, बताओ क्या ही करने का। सीखना है क्या आप लोगों को स्कार्फ कैसे बांधते? नहीं नहीं, रहने दो, एक काम करो, दीपिका दीदी अपने व्लॉग चैनल पे बता देगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके एकदम मस्त सब्सक्राइब कर लो इनके चैनल को। प्रोडक्शन जाके पता चला कि अभी उदेश भैया जो है वो पहुंच चुके हैं उनके घर पे, तो अपन आ गए यहाँ पर कुछ चाय वगैरह पीने के लिए। चाय पीने के बाद फिर दीपिका दीदी अपन को छोड़ देगी उदेश भैया के घर पे, लेकिन फिलहाल इनको चाय पीने का मन था, तो हमने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं, चाय वगैरह कुछ पी लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चाय जिसको अपन पीने वाले हैं, और दीपिका दीदी ये देखो क्या आप चीयर्स कर रहे हो? देख रहे हो, मतलब चाय पी ली उसके बाद चीयर्स करना है? अरे बाप रे, मेरा हाथ जल रहा है। ये मैडम तो पहले से सिप लगा ली है, ये बस दिखाने के लिए। एक सिप तो लगाई, मैंने खुद देखा है, गजब जला था। अच्छा, रागिनी दी का मुंह जला था वाला व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल में मिल जाएगा, जिसका थंबनेल ये रहा। ठीक है, तो जाके मस्त से देखो, मजा आ जाएगा। फिलहाल अपन ये चाय खत्म करते हैं, चलो। तो ये देखिए, ये है उदेश भैया की गाड़ी, ये भी है उदेश भैया की गाड़ी, और ये आ चुका है उनका घर। तो चलो अपन अभी अंदर चलते हैं। बहुत टाइम तक घर पे रहने के बाद अब हम जा रहे हैं स्टूडियो की तरफ। आप लोग देख सकते हैं आंख में नींद भर चुकी है। क्या उदेश भैया तो थोड़ी देर सो भी लिए, मैं तो सोया भी नहीं हूँ। ये देखो, ये सो के उठ भी गए और अब जा रहे हैं स्टूडियो की तरफ। छोटा सा पावर नैप लेना भी जरूरी होता है यार, आप 24 आवर्स लगभग काम नहीं कर सकते, आपको सोना भी जरूरी है। चलो अभी अपन गेट बंद कर देते हैं और यहाँ से निकलते। तो अभी अपन पहुंच चुके हैं अपने घर पे। एक्चुअली उदेश भैया को कुछ अर्जेंट काम था जिस वजह से उनको जाना पड़ा, और उन्होंने मेरे को यहाँ पर अपने घर पे छोड़ दिया है। उन्होंने बोला है कि वो शाम को आएंगे, अगर उनका काम जल्दी निपट जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से अपन कहीं जाएंगे। कल हमारा प्लान बन रहा रायपुर की तरफ जाने का। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। अगर जाने का होता है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि हाँ हमारा जाने का प्लान होगा, तो अगर बनता है तो आप लोग को लेके जाऊंगा। देखो, तो अब जाके आए हैं UK प्रोडक्शन के मालिक उदेश भैया और वो है पापा, तो दोनों के दोनों अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पापा कहीं नहीं जा रहे, पापा यहीं पर हैं, और उदेश भैया के साथ मैं जा रहा हूं उनके स्टूडियो, क्योंकि हमें एक अर्जेंट एड शूट करना है, जो कि मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग शूट करते हैं। के 9:30 बजे हम आ चुके हैं यहाँ पर खाने के लिए, और खाने में क्या है तो ये देखो, सैंडविच, वो चीज सैंडविच है भाई को, और झटका लगता है अचानक, आधा खाने के बाद याद आता है। अरे हाँ, मैं एक्चुअली उसको खा रहा था, एंड देन मेरे को सडनली याद आया कि नहीं यार, मैंने अभी तक विशु फैम को दिखाया नहीं। सबसे पहले दिखा लेता हूँ, ये देखो आधा खाया हुआ भी पड़ा हुआ है। तो भाई साहब कहाँ गए?
अरे वो भाई साहब, अरे यार ऐसा मत करो यार, इतना इतना पूछ रहे थे ये अपने बारे में, अपने कंटेंट के बारे में, और ऐसा मुंह छुपा रहे। अरे यार मुंह मत छुपाओ, अरे इधर सुनो तो सही, अरे ऐसा मुंह मत छुपाओ यार, ये देखो पीछे पीछे भागना पड़ रहा है, ये देखो क्या है क्या है पता नहीं, इनके पीछे पीछे भागना पड़ रहा है, ये देखो फिर छुप रहे अभी, मैं क्या करने का। वो आराम से खाए जा रहे है, देख रहे हो, वो आराम से खाए जा रहे है, लेकिन ये भाई साहब आई नहीं रहे सामने। ऐसा अरे ऐसा मत करो, कैमरे के सामने आ जाओ, देखो यार आई नहीं रहे कैमरे के सामने, क्या करने का। चलो एक काम करते हैं, अभी अपन वहीं पर जाते हैं, ठीक है, और वो जैसे आएंगे ना वैसे अपन उनका शूट कर लेंगे। और वो देखो जा रहा है। सो फाइनली वी आर ऑल सेट फॉर द शूट गाइस। जी हाँ, हम लोग पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं शूट करने के लिए। देख रहे हो ये है मेरा अभी का पहनावा, ये देख रहे हो, व्हाइट शर्ट में मैं रेडी हो चुका हूँ शूट करने के लिए। अभी मजा आएगा, मतलब कैमरे के सामने परफॉर्म करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ। मैं बचपन से ही कैमरे के सामने परफॉर्म करता आया हूँ और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं जब भी कैमरे के सामने होता ना, मेरे सामने चाहे 1000 लोगों को, 10 लोगों को, 100 लोगों को, कितने भी लोगों को खड़े कर दो, मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं आराम से शूटिंग करता हूँ और मजा आ जाता है, इसीलिए तो आई एम अ व्लॉगर एंड योर फेवरेट व्लॉगर एवरीबॉडी। तो अभी अपन यहाँ पर शूट करते हैं। ये देखो लाइट्स रेडी हो चुकी हैं, अपन को यहाँ पर नहीं, ये बैठने का नहीं, अपन को खड़े खड़े शूट करने का है। सामने रहेगा हमारा कैमरा, ये देखो ट्राइपॉड रेडी हो चुका है कैमरे के साथ। यहाँ पर अभी अपन मस्त सा रैप्चिक सा शूट करने वाले हैं, और भैया जो है वो अपना शूट करने वाले हैं। बहुत कमाल की चीज हम लोग लेके आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो जल्दी से जाओ यूके प्रोडक्शन का यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां पर कभी भी हमारा एक मस्त सा तोहफा आ सकता है आप सभी लोगों के लिए। तो थोड़ी देर में आप सभी लोगों के लिए इनके चैनल पे एक BTS डलने वाला है, बिहाइंड द सीन वीडियो डलने वाला है, तो जाके प्यार दीजिएगा जितना हो सके। जिनको भी इनके साथ काम करना है वो जा सकता है इनके ईमेल आईडी पे, इनके इंस्टाग्राम पे @KProduction। क्या बोलते हैं मंडली, एकदम रेडी है अपन शूट के लिए। गाइस मैं बार बार शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो व्हाइट शर्ट है ना मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, और मैं पता नहीं एकदम अलग ही खुश लग रहा हूँ अंदर से। कैमरे के सामने हमेशा खुशी रहता हूँ बॉस मैं, तो अभी अपन जल्दी से शूटिंग शुरू करते हैं, बोले तो मजा आ जाएगा ना बिडू। चलो अभी मेरे को सीधा इसको अपलोड करना है ताकि आप सभी लोगों तक सुबह 8 बजे मेरा कंटेंट पहुंच जाए। और आप लोगों से एक विनती करता हूं यार, जितना हो सके शेयर कर दिया करो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। 10 लोगों को शेयर कर दो, 2 लोग को, 5 लोग को, 6 लोग को, जितने लोगों को शेयर करना है उतने लोगों को शेयर कर दो, लेकिन शेयर कर दो बस। फिलहाल यूके प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है, वहां पर BTS वीडियो अपलोड हो रहा है, वीडियो को भी देखना है, दीपिका दीदी के वीडियो को भी देख लो, और जिग्नेश भाई का वीडियो आ चुका है, तो प्रोबेबली आपके पास कंटेंट इज कंटेंट है बॉस। जितने भी लोग हैं हम सभी लोग सबका वीडियो देख लो, चैनल पे वीडियो आ ही रहे, ठीक है। नहीं हो गया आपको मजा आना ही जाना है, कल के व्लॉग का वेट करो क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं रायपुर के लिए, और रायपुर में एक कैमरे का एग्जीबिशन है जहां पर मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कितने अलग अलग तरीके के कैमरे होते हैं। तो अगर आप लोग कैमरा लवर हैं तो आप लोगों के लिए स्पेशली कल का व्लॉग मैं डेडिकेट करता हूं। इसी के साथ जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, विशाल भाई को विदा दीजिए, जय श्री कृष्णा। कल के अमेजिंग व्लॉग में आप सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी, काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट एवरीबॉडी। जय श्री कृष्णा, लव यू, विश यू फैम, बाय बाय।